हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। अच्छे से गेम को एंजॉय कर रहे होगे तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यानी कि डिसेंट बोलते में। एंड आज की वीडियो तो पता है किस टॉपिक पे होने वाली है। तो यार रैंडमली मिल गया है इन द मैच GW करण। अब मेरे को पता नहीं कि ये बंदा असली है कि नकली। मैं बस जानता हूँ इतना, मैं कुछ कुछ उनकी वीडियोज़ देखता हूँ, बट मेरे को ये नहीं पता कि ये वाला जो बंदा है वो GW करण ही है या नहीं। तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, असली हुआ तो देखा जाएगा, नकली हुआ तो खैर रहने दो। तो गजब टूबी बाज आदमी। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। लेकिन रुक जाओ यार, सब्सक्राइब तुम लोग नहीं करते हो, सब्सक्राइबिंग रेट बहुत गिर चुका है एंड व्यूज़ काउंट भी, तो तुमको पता ही है पर वीडियो में अच्छे से 200 व्यूज़ भी नहीं आ रहे। तो भाई लोग शेयर करो यार, जल्दी से 10K करवा दो यार। 10K पे कितना बार तुमको याद दिलाना पड़ेगा कि 10 मंथली मेंबरशिप का गिव अवे हो रहा है। तो फटाक से यार शेयर कर दो वीडियो, शेयर करोगे तभी हमारे सब्सक्राइबर्स के नंबर जो है इंक्रीज हो गए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो वही लोग, हम लोग उतरे थे मिल पर हम लोगों ने कर लिया लूट एंड देखा कि शिपयार्ड में बंदे रिवाइव हो रहे, तो शिपयार्ड गए एंड वहाँ के बंदे को किया ख़त्म। बट मेरा अभी भी एक भी किल नहीं था, तो मैंने लॉन्च पैड यूज़ किया एंड आ गया इधर कॉटली शिवा एंड बीमा शक्ति के ऊपर वाले साइड। एंड मैं जा रहा था बंदा मारने, सामने एक बंदा दिख रहा है मेरे को, डैमेज पड़ नहीं रहा है, 21 का डैमेज पड़ा है बस, एंड ड्रैग सही से हो नहीं रहा। तो इसको थोड़ा सा इसका हम पीछा करेंगे एंड देखेंगे कि और इसके कितने बंदे। तो एक बंदा मेरे को दिख रहा है एंड इसको एक मे बी हेडशॉट लगा है, रेड नंबर तो आया है, बट रेड नंबर का आजकल काफी ज्यादा ग्लिचेस चल रहा है। इलाइट के लिए जो यूज करते हैं उनको पता होगा भाई, काफी ज्यादा ग्लिचेस चल रहा है। तो देख सकते हो फिर से रेड नंबर, बट ये इलाइट के लिए का जो है वो डैमेज दिखाता है। जो फर्स्ट शॉट है आपका वो मतलब कि फर्स्ट शॉट पे रेड डैमेज दिखाता है, तो वो हेडशॉट नहीं होता है। बार बार इसी से कंफ्यूजन में आके मतलब मैं डाउन हो जाता हूँ कि सामने वाले को तो हेड पर ही गया, अब क्यों मारो। तो यार ऐसा बहुत ही खराब ग्लिच चल रहा है, गरीना को इसके ऊपर काम करना चाहिए। बदला लेने आएगा ठीक है, क्योंकि मैंने इसके बंदे को मारा है तो भाई नॉर्मल सी बात है जरूर आएगा। तो मैं थोड़ा कटोली शिवा के इधर उधर चक्कर लगाने लगा देखने के लिए कि इसका बंदा कहाँ पर है। तो भाई देख सकते हो मैं बंदे ढूंढ रहा हूँ बट अभी तक इसके बंदे आए नहीं है। फर्स्ट जोनी एंड अभी 20 बंदे बचे हुए हैं, क्योंकि लॉबी थोड़ी सी नूब थी, क्योंकि सुबह के टाइम का ये मैच था, सुबह के 6 बजे का, एंड उस समय तो मैं ही खेलता हूँ। एंड सामने से बंदा एक आ रहा है, देख सकते हो 44-45 करके डैमेज पड़ रहा है, एक भी ड्रैग चिपक नहीं रहा यार मेरा, बहुत ही मतलब कि यार पूछ मत, मेरा एकदम ड्रैग नहीं चिपक रहा। देख सकते हो यहाँ पर शॉटगन से एक गोली मारा एंड वो हेड पर लॉक हो गया एंड इजिली वन शॉट हेडशॉट इसको बोल सकते हो आ गया। तो भाई इसके दो बंदे को मैंने फिनिश कर दिया है एंड अभी भी इसका दो बंदा बाकी है। तो पीछे देख लो फायरिंग की वो जो बोलते हैं निशान, सिंबल आ रहा है फायरिंग का, एनमी का सिंबल आ रहा है। ग्लू बॉल के पीछे बंदा देखो, ये बंदा भाग रहा है, इसको भी मैं मारने का कोशिश कर रहा हूँ बट डैमेज गिर नहीं रहा है। 20 एंड 40 का करके डैमेज गिरा, बट यहाँ पर 178 का इसको फटका पड़ रहा है ठीक है, मतलब हेडशॉट पड़ रहा है। लेफ्ट साइड में बंदे हैं एंड ऊपर से बाइक से भी बंदा आ रहा है, तो बाइक वाले को 39 का दिया एंड शॉटगन से एक शॉट दिया, लेकिन पीछे से कोई बंदा इसको मार दिया, मतलब मेरा स्क्वाडमेट। तो भाई अभी भी 15 बंदे अलाइव एंड हमारे हो गए 3 किल एंड करण भैया से अभी तक मुलाकात हुआ नहीं है ठीक है। तो यार क्या पता कब मिलेंगे, हो सकता है एट द एंड मिलेंगे, क्योंकि अभी तक किल फीड में उनका नाम आ रहा था। एंड लेट्स सी यार क्या होता है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं वीडियो को कर रहा हूँ थोड़ा सा स्किप ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, देख सकते हो GW करण का नाम आ रहा है एंड मेरे को नहीं पता कि ये रियल है या फिर फेक है ठीक है, कमेंट करके तुम लोग बता देना रियल है या फिर फेक है। तो यहाँ पर एक बंदा और दिख रहा है कॉटली स्टीबा के साइड, तो इसको हम मारने के लिए जाएंगे एंड लेकिन उससे पहले हमारे टीममेट ने यार खत्म कर दिया, तो कहाँ से मारेंगे। तो चलो थोड़ा सा वीडियो को आगे करते हैं। तो भाई लोग हम लोग जा रहे हैं कटली स्टीवा सॉरी हैंगर के तरफ, क्लॉक टावर के तरफ, वहाँ पे हमारा एक बंदा डाउन हुआ है एंड मैं भी उधर की साइड जा रहा हूँ ठीक है, थोड़ा सा राइट लेके, सीधे सीधे तो जा नहीं सकते, अगर एनमी हुआ तो वहीं पर हमको दे देगा। एंड हैंगर में भी बंदे रिवाइव हो रहे हैं, तो इस ये बंदा प्रोन हो रखा था, लास्ट बंदा था अपने स्क्वाड का शायद से, जिनको मैंने मारा उसका लास्ट बंदा था एंड इसको भी हमने कर दिया है ख़त्म। तो भाई बस 8
8 बंदे बच रहे हैं, शिखा भी डाउन हो रही है, तो यार एक बंदा को क्लियर कर दिया गया। हो सकता है करण की स्क्वाड का बंदा होगा, एंड जैक का भी हालत काफ़ी ख़राब है। जानू तो शायद उनसे अलग है, मे बी मैं उतना देखा नहीं। एंड मैं पहले सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपने बंदे को रिवाइव करूँगा, उसके बाद उनको मारने के लिए जाऊँगा। तो देख सकते हो मेरे पास 5 टोकन है, एंड 5 टोकन में आराम से आप इजिली रिवाइव कर सकते हो, क्योंकि टोकन 4 ही लगेंगे वहाँ पे। तो इजिली मैंने रिवाइव कर दिया, एंड अभी भी भाई काफ़ी बड़ा जोन है, एंड मात्र 8 बंदे अलाइव है। ठीक है, तो हो सकता है उनमें एक स्क्वाड हो सकती है GW करण की मे बी। एंड हम लोग चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है यार। तो चैनल पर जो बंदे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जो भी वीडियो डालूं आप तक वो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, एंड अगर सब्सक्राइब करके रखे हुए हो तो थैंक यू सो मच, एंड फटाक से शेयर कर दो वीडियो को, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा 10K हो जाए। तो यहाँ पर अभी भी 2-2 ग्लू बॉल हमारे टीममेट्स लगा रखे हैं, तो हो सकता है ऊपर के साइड में बंदे होंगे, एंड लेकिन मेरे को कोई भी बंदा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है क्लॉक टावर में। तो जानू का किल आ रहा है साहिल, जिसने की मतलब कि शिखा को खत्म किया था, मतलब शिखा को किल किया था, तो वो बंदा मारा जा चुका है। तो भाई 4v3 का सिचुएशन में भी हो सकता है, या फिर हो सकता है करण अकेला हो, अपने स्क्वाड में अकेला घूम रहा हो। तो भाई चलो देख लेते हैं, इसके लूट बॉक्स में ज्यादा कुछ तो है नहीं, तो MP40 हम उठा लेते हैं, एंड शॉटगन की एमो ड्रॉप कर देते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट शॉर्ट रेंज गन कौन सा है, MP40, M1887, MAC7 या फिर शॉटगन M1014। तो यार चलो यहाँ पर हमने लूट कर लिया, टोकन छोड़ने का नहीं भाई, टोकन आपको जितना मिले टोकन उतना ले लेना। तो ए लेजेंड्स को किल कर दिया हमारे स्क्वाडमेट जानू ने, एंड लेट्स सी यार क्या होता है। जानू आजकल बाबला हो रखा है भाई, लड़कियों वाली नाम लगाकर घूम रहा है, क्या पता भाई क्या इसके मतलब दिमाग में चल रहा है। चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो डेंजर जोन वहाँ आपके फैक्ट्री एंड पोची नॉक पे बनाया, जहाँ डेंजर जोन होता है वहाँ पर बंदे ज़रूर होते हैं, तो मैं उधर ही जाऊँगा डेंजर जोन ख़त्म होने के बाद। एंड ऊपर ड्रॉप भी गिरा रखे बंदे, तो ड्रॉप चेक करने गया हमारा जैक भाई कि वहाँ पर कोई बंदा है कि नहीं। एंड मैं यहाँ पर स्कोप इन करके देख रहा हूँ बार बार कि बंदे मिल जाए, बट बंदे कोई मिल नहीं रहे, बस 2 बंदे बच रहे हैं, एंड 2 में से एक तो GW करण होना ही होना है, मे बी दूसरा उसका बंदा हो या ना हो। तो चलो यार हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पोची नॉक के अंदर, एंड थोड़ा सा छानबीन करते हैं कि बंदे है कि नहीं। तो भाई पूरा पोची नॉक देख लिया, कोई बंदा नहीं मिला, एंड यहाँ पर एक बंदा था जिसको कि शिखा ने मार दिया M14 से। तो अब बच रहा है आखिरी बंदा, एंड हो सकता है वो होगा GW करण, क्योंकि अभी तक वो मरा नहीं है, एंड उसका नेम भी नहीं आया किल फिट, जो किल अनाउंसमेंट होता है वहाँ पर। तो गाइज यार मतलब हम लोग भटकने लगे इधर उधर, क्योंकि देख सकते हो 4th जोन है, एंड बस एक सिंगल एनिमी अलाइव है। तो भाई पोची नॉक मैं फिर से जा रहा हूँ, क्योंकि देखो और कहीं बंदा होगा नहीं, पीक से घूम कर आ गया पूरा जैक, एंड फैक्ट्री में हमारे बंदे हैं ही, क्लॉक टावर से हम लोग ऑलरेडी घूम कर आ चुके हैं। तो मैं फिर से पोची नॉक जा रहा हूँ, एंड इस बार अच्छे से थोड़ा सा देखूंगा कि शायद वो GW करण यहीं कहीं हो एंड हमको मिल जाए। तो भाई अभी भी देख सकते हो यार कोई बंदा दूर दूर तक पास पास तक दिख ही नहीं रहा है, क्या पता भाई कहाँ पर बैठ रखा है वो बंदा, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यार ये जो सिचुएशन होता है ना बहुत ही ख़राब होता है यार, कि आखिरी में 2-3 बंदे अलाइव हैं, वो बंदे मिलते नहीं हैं, क्योंकि यार टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, उतने देर में हम दूसरा गेम स्टार्ट कर सकते हैं, सह लेंगे थोड़ा सा। तो देख सकते हो हमारे टीममेट एक तो पीक पर से आ रहे हैं, एंड 2 पोची नॉक में है। मैं फैक्ट्री में जा रहा हूँ चेक करने के लिए, तो भाई यहाँ पर ग्लू बॉल मिल गया ढेर सारा, चलो उठा लेते हैं, काम ही आ जाएगा अपने। क्यों भाई 2 चीज़ मत, ओ भाई साहब जानू डाउन, GW करण ने कंप्लीट कर दिया जानू को, शिखा ने कंप्लीट कर दिया करण को। भाई चीटिंग करता है तू, कट गया हमारा भाई, हमको मारना था यार। तो यार वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। कल मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।